धन्यवाद देता हूं जिन्होंने समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया है। हालांकि आजमगढ़ से रिश्ता कोई नया नहीं है, यहां पर कई बार आने का मुझे मौका मिला है, और एक बार तो तब जब मैं राजनीति में नहीं था, राजनीति में कोई हम पे पद नहीं था, उस समय ही मुझे याद है यहां के नेताओं ने मुझसे कहा कि आपको आजमगढ़ की जनता में जाना चाहिए, वहां के लोगों से निवेदन करना चाहिए। मैंने कहा कि हम तो राजनीति की ABCD नहीं जानते, हमें क्यों ले जा रहे हो। बोले ये समाजवादी धरती है, अगर केवल आप वहां पहुंच जाओगे, केवल लोगों से निवेदन कर लोगे, वहां की जनता आपके कहना मानेगी और समर्थन कर देगी। मुझे याद है उस समय जो चुनाव लड़ रहे थे, उस समय जो चुनाव लड़े थे वो यहां से जीत करके गए थे। ये आजमगढ़ ने केवल एक सांसद नहीं जिताया, ये बड़ा जिला है, बहुजन समाज पार्टी से जो लड़ रही संगीता आजाद को भी ऐतिहासिक वोटों से जिताया है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। हम तो चुनाव में कितना आए, यहां पर केवल दो बार मैं आ पाया आपके बीच में, दो बार आए, और दो बार आने पर आप सबकी मेहनत ने बताओ कितने लाखों वोटों से हमें जिता दिया। ये जो एहसान है, ये जो प्यार और स्नेह है, ये इतिहास में दर्ज है, इसको कोई मिटा नहीं सकता कि दो बार आए और लाखों वोटों से यहां की जनता ने जिता दिया। इसलिए जहां आपने जिताया वहीं आजमगढ़ भी नाम हमारे नाम से जुड़ गया है। शायद मैं आता जाता रहता तो नाम नहीं जुड़ता हमारे नाम से, हम कई बार आते और चले जाते, शायद आजमगढ़ नाम नहीं जुड़ता, लेकिन आप जब देखोगे सदन में खड़े होकर के, जब कभी हमें कहने का मौका मिलेगा तो वो हमें कन्नौज इटावा का नहीं कहेंगे, वो कहेंगे सांसद आजमगढ़ के बोल रहे हैं। वो इटावा कन्नौज वो नहीं माना जाएगा, वो तो लिखेंगे कि आजमगढ़ के सांसद बोल रहे हैं। इसलिए मैं आजमगढ़ के लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं, आजमगढ़ के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि आजमगढ़ अगर हमारे नाम से जुड़ गया है, न जाने कितने जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, न जाने कितने उजाले और अंधेरे आएंगे, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं कि आजमगढ़ के जनता को कभी छोड़ने का काम नहीं करेंगे। हमें कैसे भी सेवा करनी पड़े, हमें कैसे भी आपके बीच में रहना पड़े, हम सदन में हो नहीं हो, हम सदन में रहें ना रहें, हम चुने जाएं ना चुने जाएं, वो हमारा रिश्ता आपसे टूटेगा नहीं, ये एक बार मौका मिला है ये रिश्ता बना रहेगा। जहां तक विकास की कड़ी है, लोग कहते हैं न जाने क्या क्या विकास हुए हैं, हम तो आज भी कहते हैं आज हम चुनाव हार गए, आज हम लोग चुनाव नहीं जीते हैं, हम तो आज भी विरोधी लोगों से कहते हैं कि उठा लो आप अपना विकास का काम, उठा लो समाजवादियों का विकास, आप कहीं विकास में टिकने वाले नहीं हो, आप किसी और वजह से चुनाव जीत गए। हालांकि समय ऐसा भी आता है, हमने अपने आपके अपने जीवन में देखा होगा, कभी कभी हम और आप इतना खुश होते हैं, इतना खुश होते हैं कि आंखों से आंसू निकल जाते हैं, और कभी कभी हम लोग इतना रोते हैं कि रोते रोते हम लोग हंसने लगते हैं। ऐसा समय राजनीति में हम लोगों ने देखा है, और हम तो जिस दिन मेरे हाथ में सर्टिफिकेट मिला, जो मैंने देखा कि आजमगढ़ से मैं जीत करके आया, मैंने सर्टिफिकेट लेकर के सीधा चुपचाप छिपा दिया, हमने देखा और छिपा दिया, हमने कहा ये तो घर में भी नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो नाराजगी और कुछ हो जाएगी।
और फिर सर्टिफिकेट मैंने दिखाया किसी को नहीं। मैंने कहा कि जब तक मैं जनता के सामने न दिखा दूं तब तक इस सर्टिफिकेट कोई देखेगा नहीं। हमारे हाथ में बना रहे, हम छिपा के रख करके लेके आए हैं। और आज भी जो सम्मान आपने दिया है, क्योंकि एक एक वोट से वो सम्मान बना है, वो आपने सबने वोट दिया है। और एक एक वोट पा करके और जो जनता नहीं आ पाई है, जिनसे यहां के बाद आप जाओगे और मिलोगे, उन्होंने भी हमारी मदद की है। तमाम माताओं बहनों ने मदद की है, तमाम वो लोग जो इतनी कड़ी गर्मी में रोजेदार थे, रोजे बढ़ते लेकिन उन्होंने गर्मी की परवाह नहीं की, वो लाइन में खड़े होकर के साइकिल की बटन दबा दी और कहीं हाथी की बटन दबा दी। इसलिए हमने सर्टिफिकेट घर में भी नहीं दिखाया किसी को। और मैंने कहा कि जब तक मैं जनता को नहीं दिखा दूंगा तब तक मैं ये सर्टिफिकेट किसी को दिखाने वाला नहीं। इसलिए यही जो सम्मान आपने दिया है, यही तो सम्मान है जो दिया आपने। न जाने कितने दिन आपने मेहनत की, खून पसीना बहा दिया, न जाने कितना न्याय सहा आपने, दुर्गा जी का सामना करना पड़ा न जाने किस चीज का, लोग न जाने क्या क्या कर रहे थे। आपको याद होगा, बूथ पे रहने वालों को ज्यादा पता होगा, हमारे साथी जो बूथ पे रहे होंगे उन्हें पता होगा कि क्या क्या करना पड़ा है तब जाकर के बूथ ही जीते हैं। यही तो विरोधी कहते थे। सोचो विरोधी किसको ढूंढ के लाए हमारे खिलाफ लड़ाने, सोचो किसको विरोधी लाए ढूंढ करके। अरे हमने कभी नहीं देखी उनकी फिल्म, मैं कहता हूं मैंने फिल्म नहीं देखी। और अगर कोई, हम नहीं कहते कि आप मत देखो, आप देखो, लेकिन सोचो क्या कह रहे थे। हमें कुछ नहीं कहना उनके बारे में, हमारी उनसे लड़ाई नहीं है। आप दुश्मन को पहचानो, दुश्मन कहां छिपा हुआ है। हमारी आपकी लड़ाई उनसे नहीं है। बताओ लड़ाई उनसे थी, जिन्होंने सेल्फी ली उनसे लड़ाई थी कि नहीं थी। हमारा आपका झगड़ा उसमें नहीं था, हमारा आपका जो राजनीतिक झगड़ा उनसे था जो सेल्फी दे रहे थे, सेल्फी दे रहे थे उनसे। और एक तो पत्रकार ने कहा, एक आर्टिकल में लेख पढ़ रहा था, उसमें बोले बताओ ये चुनाव की खुशी कैसी है, ये जो खुश हो रहे हैं क्यों खुश हो रहे हैं। ये रेस तो हमारे लोग शायद जानते हो ना जानते हो, हमारे नौजवान जानते होंगे, दुनिया में सबसे तेज भागने वाली गाड़ी फरारी कहते हैं उसको, फरारी कहते हैं। एक पत्रकार ने कहा कि ये रेस तो फरारी और साइकिल की थी, सब जानते थे फरारी जीत जाएगी, साइकिल नहीं जीत पाएगी। बताओ सब दिन हर दिन टीवी पर कौन दिखता था, किसका टीवी है, हमारे दिमागों में घुसेड़ दिया। हम नहीं चाहते थे सोचना समझना, लेकिन हमारे दिमाग से खेले, मोबाइल से खेले। इसलिए समझ लेना समाजवादी साथियों, और खासकर मैं गरीबों से कहना चाहता हूं, किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, ये लड़ाई दूसरे तरह की है, ये समझ पाना मुश्किल है। और जिस दिन समझ जाओगे आप लड़ाई, उसी दिन आप लड़ाई जीत जाओगे। आप हम समझ नहीं पाए, हम नहीं समझ पाए। और हमारे बलिहारी बाबूजी ने ठीक कहा, जो जगाता है वही मार दिया जाता है। अरे क्या बलिहारी बाबूजी कह रहे कि मुर्गे ने जगाया और उसी का, और ये पहली बार नहीं हो रहा। याद रखना, बहुत सारी पुरानी सदियां याद कीजिए, ये माना जाता था एक समय पर, ऐसे लोगों ने फैलाया हुआ था दुनिया के दूसरे हिस्से में कि धरती के चक्कर सूर्य लगाता है। कुछ लोगों ने ये फैलाया हुआ था, जिनके पास धर्म की ताकत थी
उन्होंने ये फैलाया हुआ था कि धरती का सूर्य चक्कर लगाता है। लेकिन एक बेचारा साइंटिस्ट पढ़ा लिखा, उसने कहा कि नहीं, धरती नहीं सूर्य का चक्कर लगाती है। जब उसने सच्चाई बता दी कि सूर्य नहीं धरती का चक्कर लगाती है, धरती सूर्य का चक्कर लगाती है, बताओ उसको जिंदा जला दिया गया था कि नहीं जला दिया गया था। 16वीं सदी में एक साइंटिस्ट ने केवल यह बता दिया उन लोगों को जो धर्म के लोग कहते थे कि यह धरती का चक्कर सूर्य लगाता है, केवल सच्चाई बता दी उसने और सच्चाई बताने वाले को जिंदा जला दिया। एक और साइंटिस्ट ने कभी सच्चाई बताई, इसलिए सच्चाई जब बता दी उसने तो उसे कैद कर दिया गया और तब तक कैद कर करके रखा जब तक उसकी जान न चली गई हो। बताओ हमारे आपके गठबंधन को कहा कि ये मुसलमानों का गठबंधन है, ये यादवों का गठबंधन है, ये दलितों का गठबंधन है, बताओ साथियों, कहा कि नहीं कहा? हम और आप जिन लोगों के लड़ना चाहते थे उनकी लड़ाई नहीं लड़ पाए, हम जिन्हें समझाना चाहते थे नहीं समझा पाए, क्योंकि मैंने हमेशा कहा कि ध्यान हटाने की ताकत हमारे आपके पास नहीं है। ध्यान हटाने की ताकत अगर किसी के पास है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास है, हमारे आपके पास नहीं है। कब ध्यान हटा दें किस चीज से कोई नहीं जानता, कब किस तरफ ले जाएं कोई नहीं पता। इसलिए याद रखना, जो लड़ाई हम और आप लोग और जो संघर्ष का रास्ता अपनाया है, ये बड़ा सपना है, ये छोटा मोटा सपना नहीं है जो हमारे आपके लोग समझते हैं कि हम छोटा सपना देख लें और वो पूरा हो जाएगा। इसलिए आजमगढ़ के लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि बहुत लड़ाइयां लड़ी गई हैं राजनीतिक, बहुत संघर्ष के रास्ते अपनाए गए हैं, लेकिन हमें और आपको भी बड़ा सपना देखना पड़ेगा। और 2224 का सपना अगर देखोगे तो जाकर के कामयाब होगे, वरना कोई रास्ता राजनीति में नहीं है।